लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्वामी, स्वामी उठा नहीं अभी तक। तो नहीं दे बेचारे को, वो तो अभी बच्चा है। और फिर सोमवार को तो तू भी देर से उठता है सीनो। माँ आज मंगलवार है, देर से उठेगा तो होमवर्क कौन करेगा? लाड प्यार की भी एक हद होती है, अब वो कोई बच्चा नहीं रहा। 9 साल का है, 9 साल का। उठते ही सड़ी मूर्तियों को फूल चढ़ाना। तुम लोग गंदे बेजान मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? मूर्खों, क्या वो बोल सकते हैं? नहीं। क्या वो देख सकता है? नहीं। क्या वो आशीर्वाद दे सकता है? नहीं। क्या वो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं है। जब मोहम्मद गजनी ने उन मूर्तियों का टुकड़ा टुकड़ा करके उनमें से अपना लेबोरेटरी का सीढ़िया बनवाया, तब कहा था तुम्हारा भगवान? बोलो कहा था? अब हमारा लॉर्ड जीसस को देखो, उसमें मरीजों को मर्ज से, गरीबों को गरीबी से आजाद कराने का शक्ति था। लॉर्ड जीसस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग जो हमारा अंदर बसा है। अब लॉर्ड जीसस और तुम्हारा उस कृष्णा में फर्क देखो। क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह गोपियों के साथ नाचा? क्या हमारा जीसस कृष्णा की तरह मक्खन चोर था? सर, अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? मेरा मतलब है, अगर वो सच्चे भगवान थे तो मांस मच्छी क्यों खाते थे, शराब क्यों पीते थे? सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। इस हालत में सीढ़ियां चढ़ने की क्या जरूरत थी? आज फिर दर्जी आने वाला है, बेचारा 4 दिन से पैसे मांग रहा है। आज नहीं, कल आने को कहना। नहीं, आप रोज टालते हैं, आज मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। मेरी समझ में नहीं आता, दर्जी को हर महीने क्यों बुलाया जाता है? इतनी चोलियां सिलवाती क्यों हूं? कभी कोई तो पहनता नहीं। भगवान जाने इस महीने का खर्चा कैसे निकलेगा। और 2.5 आने चाहिए, नीचे वो सब्जी। एक आना नहीं मिलेगा, संभाल के। ताजी, स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ, ये चिट्ठी अपने हेडमास्टर को दो। हेडमास्टर? सुनो सर, आई बेग टू इन्फॉर्म यू दैट माय सन डब्ल्यू एस स्वामीनाथन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन वाज असॉल्टेड बाय स्क्रिप्चर मास्टर इन अ फैनेटिकल रेज। I hear he is always most insulting and provoking in his references to the Hindu religion. It is bound to have a bad effect on the boys. I am also informed that when my son got up to have a few doubts cleared, he was roughly handled by the same teacher.
His ears were still very red when he came home last evening. I hope you will be kind enough to rightly inquire into the matter and favor me with a reply. Swami. If not, I regret Swami, to inform you, I shall be constrained to draw the attention of higher authorities to these unchristian practices. I have the honor to be, sir, your most obedient servant, W.T. Srinivasan, B.A. Advocate, Malgudi. Yeah. Good morning, sir. Good morning. आओ, अंदर आओ. पिताजी ने चिट्ठी दी है. स्वामीनाथन, हम यहाँ किस लिए हैं जानते हो? नहीं सर. हम यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए हैं, समझे? हाँ सर. पिताजी को मिलने से पहले हमें एक बार मिल लेते, इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया, ये बड़े दुख की बात है. आज शाम को आना, उनके लिए एक चिट्ठी तैयार होगी, उसे ले जाना. ए, चलो हटो हटो हटो, अपना अपना काम करो. हाँ, अब बता क्या हुआ, उसने तुझे मारा? नहीं नहीं, तूने पिताजी को बताया ना? अच्छा किया. क्यों सैम्यूल? हाँ हाँ, उसके कोट से बदबू आती है. हमारे भगवान के बारे में ऐसी बुरी बातें करने की क्या जरूरत थी? मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मुझे भी. ऐसे मामलों में बड़ों को बीच में लाना ही नहीं चाहिए. स्कूल की बात स्कूल में ही रहे तो अच्छा है. मैं तेरी जगह होता तो अपने पिताजी को बताता ही नहीं, बल्कि उसे अपने सर के बच्चे पर शाही की बोतल फेंक देता. पर मनी, मेरा कान तो टमाटर जैसे लाल हो गया था. पिताजी से छिपाता तो कैसे? चल कोई बात नहीं, लेकिन उसे अपने सर के बच्चे को बता दे, अगली बार उसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसका गला मरोड़ दूंगा. ए राजम राजम. राजम का बच्चा, घमंडी कहीं का, अपने आप को अंग्रेज समझता है. जानता है इसके पिताजी कौन है? डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट. तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फिरंगी नखरे करके अंग्रेजी बोले? अच्छी अंग्रेजी बोलता है वो. हाँ, वो मद्रास के इंग्लिश स्कूल से आया है ना? आया होगा, घमंडी कहीं का. पर वो होशियार है मणि, एक पूरा टर्म गवाने के बाद भी 70% मार्क्स मिले हैं उसे. तो क्या हुआ, अपने शंकर को 90% मार्क्स मिले हैं, वो हैंग टैंग करके अंग्रेजी बोलता है क्या? देख देख उसके नखरे देख. ए चल 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 चलो चलो. राजम कितना महान है. जानती हो उसके पास असली वर्दी है, खाकी. लेकिन वर्दी पहन के क्या करेगा वो? उसके पिताजी डीएसपी है ना, हर पुलिस वाला उनको देखते ही सलाम करता है. अरे वाह, तेरे दादाजी की तरह. सब मैजिस्ट्रेट थे वो, सारे पुलिस वाले उन्हें देखते ही कांप उठते थे. बड़े बड़े डाकू भी भाग जाते थे. एक बार 200 डाकू को पकड़ा उन्होंने. 200? हाँ,
जब उन्हें पकड़ा गया ना, तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था सोने का। तेरी फुआ की शादी में मैंने उसे तोड़कर, नहीं नहीं, तेरी फुआ की शादी में नहीं, तेरे पिताजी की शादी में शायद उसे तोड़कर चार चूड़ियां बनवाई। सो भी खेलने दो ना। चल चल खेल। अरे खेलने दो ना मुझे भी। माफ करना, जगह नहीं है। कुछ लोग पूछ का काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। पूछ? हाँ। अब पूछ की बात क्यों निकाली तूने? मेरी मर्जी, तुझे क्या? तेरे बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सोमू, हम में से किसी को पूछ कहा ना? हो सकता है। पूछ चीज क्या है? कुत्ते या गधे के पीछे एक लंबी चीज लटकती है ना, वो पूछ। गधे की पूछ। तुम रुकना। सोमू सोमू, तुम सबको क्या हुआ? हमें कुछ नहीं हुआ स्वामी, पर तूने एक नया नाम कमा लिया है, पूछ, राजन की पूछ। अब तो तू हमें पूछता ही नहीं। नहीं रे, ऐसा नहीं है सोमू। स्वामी, हर कोई डीएसपी का बेटा कैसे हो सकता है? कहीं मर तो नहीं गई? यहाँ पानी बहुत गहरा है ना? हाँ बहुत गहरा है। क्यों? एक दिन मैं उस राजन के बच्चे को यहाँ फेंकने वाला हूँ। भूल गया उसके पिताजी कौन है? डीएसपी हैं, डीएसपी। तो क्या हुआ, इसी दिन मैं अपने गधे से उसके हाथ पैर जू तोड़ने वाला हूँ। ये पुलिस वाले अच्छे लोग नहीं होते मणि। मैं तेरी जगह होता तो उनसे दो हाथ दूर ही रहता। तू मेरी जगह? शुक्र कर मैं तेरी जगह नहीं हूँ, डरपोक कहीं का।
दो पैसे की हिम्मत नहीं तुझमें। और हाँ, आजकल राजम के पीछे पीछे पड़ा रहता है तू, याद रख अगर मैंने तुझे उसके साथ देखा तो तेरा कान काट दूंगा, समझे? मनी, तूने मुझे गलत समझा, मैं नहीं जाता उसके पास, मेरा दोस्त तो तू है, वो तो वो है घमंडी। तो आज ड्राइंग के क्लास में क्या गप्पे आंख रहा था तू? वो मैंने गया उसके पास, वो खुद आया था मुझसे पेंसिल चापना मांगने। सच्ची? मैंने नहीं दिया उसे, कहा जा दुकान से खरीद ले। मनी 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 रुकना, कहाँ तू कहाँ वो राजम, तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, गुरु भी, राजम की जरूरत किसे है? वो ले आया। क्या वो नींबू का अचार गधे? और आज क्यों नहीं लाया? मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, आज सारा दिन माँ रसोई घर में ही थी। तू तो डरपोकी है। अब सुन, मैं उस राजम के साथ बात नहीं करता, पर तुझे हम दोनों के बीच मध्यस्थी करनी होगी। मुझे मध्यस्थी? It has only 1/8 of the total area of British Isles. The northwestern part and western part of Denmark are sandy. The other part are level and fertile. The people have planted pine trees and grass to prevent the wind from bringing sand to the eastern part. The total area of Denmark is about 27,000 square miles. How many children? 27,000. Ah, good. Let me turn to Spain. Spain is similar to India in a lot of respects, especially the climate, that is a temperate and oceanic climate. Lisbon is the capital of Spain. Harami, mujhe pareshan mat kar. Swaminathan, khade ho jao. हाँ तुम खड़े हो जाओ। लिस्बन किसके लिए मशहूर है? लिस्बन स्पेन की राजधानी है ना, इसलिए। और हिंदुस्तान के हवामान के बारे में तुम क्या जानते हो? गर्मी के मौसम में गर्मी होती है सर, और सर्दियों में ठंडी। बेंच पे खड़े हो जाओ। तो बच्चों हम कहाँ थे? न्यूजीलैंड सर। न्यूजीलैंड ऑल्सो रिमेन अनएक्सप्लोर्ड फॉर सेंचुरीज। न्यूजीलैंड lies east of Australia in the Pacific Ocean and it is completely in the south temperate zone. Sir, dheere se boliye na, kuch samajh mein nahi aa raha hai. The country comprises of two large islands and a number of smaller islands. Understand? Yes, sir. The cook trade separate bara khada ki topiya aur che makhmali. तू मर्द है? किस कुत्ते को शक है? हिम्मत है तो साबित करके दिखा। कैसे? कल शाम नल्लपा के बगीचे के पीछे सरयू नदी है, वही मिलना। हाँ, वही मिलना। किस लिए? ये देखने के लिए कि तू मेरा सर तोड़ सकता या नहीं। चूर चूर करके रख दूंगा। तू कल आएगा ना नदी के पास? हाँ। तू कल पुलिस को तो नहीं बुलाएगा ना अपने साथ? पुलिस को क्यों बुलाऊं? अगर तुझे कुछ हो गया तो अपने डीएसपी पिताजी को कुछ बताएगा तो नहीं तू? ए, क्या बकता है, उनसे क्यों कहूँ मैं? धरती माँ की कसम खा। खाई। तो कल शाम नदी के पास। हाँ हाँ, नदी के पास। आने तो दे उसे, हाथ पैर तोड़कर नदी में फेंक दूंगा। रात को वो भूत बनकर तुझे परेशान करे तो? हाँ, ये भी है, जब से मेरी दादी मर गई मैं अकेला सोता हूँ। तो नदी में मत फेंकना उसे। ठीक है, हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं तैयार हूँ। तूने देर कर दी। हाँ, चल शुरू करें।
क्या माँ का सुना? अगर तू झगड़ने पे तुला है तो अगली गोली तेरे सर में होगी। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे पास बंदूक नहीं है, हम तो बिन हथियार लड़ने वाले थे। तो गधा क्यों लाया? कल तूने गधे की बात छेड़ी थी। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे साथ झगड़ना चाहते हो? कल तूने मुझे धोखेबाज कहा था। ये झूठ है। झूठ है? हाँ। बस इतनी सी बात से नाराज है तू? देख, मुझे दोस्ती करने में कोई एतराज नहीं। मुझे भी। एक मिनट। ये ले। ये क्या है? नींबू का अचार। नींबू का अचार? ये ले क्रीम बिस्किट। ये मणि, अचार ज्यादा मत खाना, पेट में से नींबू का झाड़ निकलेगा।